हे गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो गाइज, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बाइसिकल के बॉटम ब्रैकेट क्रैंकसेट को सर्विस कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मैं बताऊंगा इसके टाइप, जो इंडियन मार्केट में जो बाइक्स अवेलेबल हैं और उसमें किस टाइप के बॉटम ब्रैकेट क्रैंकसेट आपको मिल जाएंगे, एंड थर्ड जो उसके लिए टूल्स रिक्वायर्ड हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉटम ब्रैकेट क्रैंकसेट के लिए। तो गाइज, ये वीडियो मैंने डिवाइड करी है फर्स्ट सर्विस को लेके, देन सेकंड इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेरियस टाइप ऑफ बॉटम ब्रैकेट क्रैंकसेट, देन थर्ड इसमें जो टूल्स आपको रिक्वायर्ड रहते हैं। सो नेवरदलेस हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसकी सर्विस प्रोसेस से। सो ये रही कैसेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम इसका कैप रिमूव करेंगे, देन उसके बाद 14 mm का जो बोल्ट है उसे हम रिमूव करेंगे, देन उसके बाद हम इसमें क्रैंक पुलर इंसर्ट करेंगे। सो गाइज, इन जैसे पार्ट्स को अगर आपको रिमूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए एक क्रैंक पुलर एंड एक क्रैंक रिंच, जो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगी। सो ये रहा क्रैंक पुलर एंड ये रही रिंच, जिसके थ्रू मैं इसे कनेक्ट करूँगा और इसे रिमूव करूँगा। सो ये क्रैंक पुलर को फर्स्ट मैंने हेक्सा नट पे कनेक्ट कर दिया है और मैं इसमें से ये बोल्ट जो है उसे लूज़ करूँगा। नाउ गाइज, मैंने इसका हेक्सा नट रिमूव कर दिया है, अब बारी आती है इसका जो क्रैंक है उसे पुल करने के लिए। तो मैं इसको फर्स्ट कनेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसकी मैकेनिज़म बताता हूँ। सो स्टेप नंबर टू, जो क्रैंक पुलर है मैंने कनेक्ट कर दिया अपने कैसेट के साथ, एंड जो पॉइंट ए है यानी फिक्सर उसे मैंने अच्छे से टाइट कर दिया है रिंच से। एंड अब बारी आती है जो पुलर है सिल्वर पॉइंट बी, तो उसे मैं अब धीरे धीरे टाइट करूँगा और जो कैसेट है वो रिमूव हो जाएगा और वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो उसे हम कहते हैं गाइस रिवर्स मैकेनिज़म, क्योंकि एक साइड से तो आप टाइट कर रहे हैं बट दूसरी साइड से जो पूरी एक असेंबली है वो बाहर आ रही है, तो उसके थ्रू हम जो पूरा कैसेट है उसे रिमूव करेंगे। नाउ गाइज, जो कैसेट है वो अब मैंने रिमूव कर दिया है, और इसके साथ साथ गाइज अगर आप इसकी चेन निकालते हैं तो उसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे आराम से पुल आउट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ गाइज सेम प्रोसीजर है दूसरी साइड भी, इसी तरीके से आप जो है पैडल की जो असेंबली है उसे रिमूव कर सकते हैं। सो नाउ गाइज, अब मैं आपसे बात करूँगा जो इसके बॉटम क्रैंक सेट हैं वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहते हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, बट फर्स्ट ये प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो ये रिंग है इसे लूज़ करना है, ये मैंने ऑलरेडी लूज़ कर रखी है, तो आप किसी से भी जो एक रिंच आती है उसके थ्रू भी आप इसे लूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, अब मैंने इसकी पूरी असेंबली लूज़ कर दी है, अब इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि अंदर इसके जो बेयरिंग्स है उनकी कंडीशन क्या है। तो मैंने इसे यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया है, और उसके बाद अब मैं चलता हूँ आपको कि इसकी कंडीशन क्या थी और क्या क्या बेयरिंग में प्रॉब्लम्स हैं वो आपको शो करता हूँ, और पहले उसे मैं फर्स्ट क्लीन कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ उसके पार्ट्स। तो ये रहा गाइस बॉटम क्रैंक सेट का राइट वाली साइड, जहाँ पे आपका कैसेट लगता है। तो इसे मैंने रिमूव नहीं किया क्योंकि मुझे सिर्फ क्लीनिंग करनी थी, और जो बेयरिंग टूटी थी वो दूसरे साइड की थी और ऑलमोस्ट दोनों में सेम रहता है, तो ऐसा लगा नहीं मुझे। बट अगर आप यहाँ पे इसे रिमूव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 36 mm का एक रिंच या स्पैनर चाहिए होगा, जिसके थ्रू आप इसे भी रिमूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप इसको क्लीन करने के लिए WD-40 यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कोई और डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे पानी से इसे क्लीन ना करें क्योंकि रस यहाँ पे जल्दी लग सकती है। नाउ गाइस, ये रहा मेरे पास पूरा बॉटम क्रैंक सेट का सेटअप। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे जो बेयरिंग है और जो उसके पार्ट्स है वो मैंने किस तरीके से निकाले हुए हैं, और जो मेजर इशू आ रहा था वो आ रहा था कि जो ये एक रिंग बेयरिंग है, एज यू कैन सी ये मेरी पूरी डैमेज हो चुकी है दूसरी साइड की। तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि गाइस, या तो आप इसे परचेस कर लें मार्केट से, अगर ये नहीं अवेलेबल है तो इसमें नंबर ऑफ़ जो रोलर्स हैं वो 9 है, तो आप उनको इंक्रीज़ करके 11 बना सकते हैं। तो आप जब यहाँ पे फिक्स करेंगे इस रिंग में,
तो वो पूरे अच्छी तरीके से वर्क करेगा, और जो आपकी शाफ्ट है उसको आप आराम से कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इस वे में। तो यहाँ पे आपको अगर ये रिंग नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे 11 जो रोलर्स हैं उन्हें यूज़ करें। सो गाइस, इस शाफ्ट को आपको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है कि राइट पोर्शन ये रहे और लेफ्ट वाला ये रहे। तो आप यहाँ पे इसका जो डिजिट लिखा हुआ है या फिर जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं उसके थ्रू से रेफरेंस में ले सकते हैं। बट किसी किसी शाफ्ट में राइट और लेफ़्ट लिखा रहता है पर इसमें नहीं है, तो आप यहाँ पे से इसका रेफरेंस ले सकते हैं। नाउ फाइनल स्टेप, जो बॉटम क्रैंक सेट का एरिया है वो मैंने अच्छे से क्लीन करके उसे ग्रीसिंग कर दी है, और अब जो मेरी जो शाफ्ट हैं और जो बेयरिंग्स हैं जिसमें मैंने 11 रोलर्स लगाए और जो एक रिंग थी, तो उसे कुछ इस तरीके से मैं फिक्स करूँगा। और जो हमारी स्टार्टिंग में असेंबली थी जो इस तरीके से हमने निकाला था, उसी तरीके से मैं इसे फिक्स करूँगा। सो नाउ गाइस, बॉटम क्रैंक सेट की जो असेंबली है वो फिक्स हो चुकी है। अब मैं जो इसका कैसेट है वो फिक्स करूँगा यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग जब इसे निकालते हो कि ये ध्यान रखें कि जो फर्स्ट वाली रिंग है उसमें आप अपने चेन को फिक्स करें गियर नंबर 1 पे, और इसके बाद इस चेन को मैं पहले फिक्स करूँगा, उसके बाद इसमें मैं फिक्स कर दूँगा इसे। तो नाउ गाइस, मैंने इसे पूरी तरीके से फिक्स कर दिया, वैसा ही आपको बैक साइड वाले में पैडल में भी आपको वैसे ही करना है। नाउ गाइस, बारी आती है अब हेक्सा नट की, तो आपको उसको उसी की तरह पहले की तरह फिक्स कर देना है इसमें जो आपका पैडल का शिफ्टर है, और वैसा ही दूसरी साइड में भी आपको फिक्स करना है। तो फर्स्ट हम पहले इसे टाइट कर लेते हैं, साइड भी हम कुछ इस तरीके से इसे फिक्स कर लेंगे। सो नाउ गाइस, ये ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। एज यू कैन सी, कोई भी हिलने की आवाज़ नहीं आ रही है और कोई भी शेक नहीं हो रहा है पैडल में। सो इसका मतलब है एवरीथिंग इज़ फाइन, और ये पूरा प्रॉपर तरीके से फिक्स हो चुका है। सो अब मैं बात करूँगा जो इसके टाइप्स हैं और जो इसके टूल्स आपको चाहिए। नाउ गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। तो फर्स्ट जो बॉटम क्रैंक सेट है वो है कप एंड कोन स्टाइल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये मोस्ट कॉमन बॉटम क्रैंक सेट है जो आपको इंडियन ब्रांड्स की जैसे हीरो है या फिर हरकुलिस है या फिर A1 है, ऐसी काफ़ी सारी बाइसिकल्स हैं उनमें आपको मिल जाएगा, या फिर आपकी जो बजटरी सेक्शन की बाइसिकल्स हैं उसमें ये बॉटम क्रैंक सेट काफ़ी कॉमन है। और उसके साथ साथ गाइस, इसको आप रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको जो अपनी प्रोसेस की वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा अभी। एंड उसके साथ साथ गाइस, जो इसके इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं या जो आपको रिक्वायर रहते हैं सर्विस करने के लिए, तो वो आपको फर्स्ट चाहिए क्रैंक पुलर, एंड उसके साथ साथ आपको चाहिए एक रेंच जो 36 mm की है, या फिर आपको एक एडजस्टेबल रेंच चाहिए जिसके थ्रू आप जो इसके थ्रेड्स की रिंग है उनको आप लूज कर सकते हैं। तो ये आप आसानी से ऐसे बॉटम क्रैंक सेट को यूज़ कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको इसका अल्टरनेटिव भी बताया, तो आप इसे आराम से सर्विस कर सकते हैं अपने घर में। नाउ गाइस, अब बात करते हैं थ्रेडेड कार्टेज बॉटम क्रैंकसेट की, जो काफ़ी अलग अलग टाइप के रहते हैं यहाँ पे, बट मैंने यहाँ पे उनको कंसीडर किया जो इंडियन मार्केट में एक अच्छा मेजॉरिटी में अवेलेबल हैं बाइसिकल्स में। तो ये बॉटम क्रैंकसेट आपको अवेलेबल होंगे नॉन इंडियंस ब्रांड्स में, या फिर थोड़ी सी जो प्रीमियम बाइसिकल्स हैं उसमें आपको ये अवेलेबल हो रहते हैं। उसी के साथ साथ गाइस, इसमें जो मॉड्यूल रहता है वो अलग अलग टाइप का रहता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एक जो अंदर से मॉड्यूल रहता है इसमें बेयरिंग का, तो वो एक साइड फिक्स रहता है और एक साइड डिटैचेबल रहता है जिसे आप कुछ हद तक सर्विस कर सकते हैं, बट एक सर्टेन टाइम के बाद आपको इसे रिप्लेस करना पड़ता है। तो इन बॉटम क्रैंकसेट को भी यूज एंड थ्रू भी बोला जाता है, इन बॉटम क्रैंकसेट को, जिसके थ्रू आपको ये रिप्लेस करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं इनके जो टूल्स हैं उसके लिए आपको चाहिए गाइस एक क्रैंक पुलर, जैसा कि मोस्टली बाइसिकल्स में आपको चाहिए रहता है। अब उसके साथ साथ आपको एक 20 mm का पॉकेट चाहिए जो आपको आसानी से मिल जाएगा, और उसके साथ साथ आपको एक एडजस्टेबल रिंग चाहिए जिसके थ्रू आप इसे सर्विस कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, तो वो भी एक थ्रेडेड कार्टेज बॉटम क्रैंकसेट होता है, बट यहाँ पे सिंपल मैकेनिज्म रहती है। ये ज़्यादातर आपको जो बॉटम क्रैंकसेट है वो अवेलेबल होंगे आपके जो प्रीमियम बाइसिकल्स रहती हैं, जैसे कि ट्रैक हो गया या मेरिडा हो गया या फिर पॉलीगॉन हो गया,
उस टाइप की बाइसिकल्स में आपको ये अवेलेबल रहते हैं, और इसमें एक नॉर्मल सा स्पिंडल रहता है और उसके आउटसाइड में एक दो कप रहते हैं जो कि, या फिर आप एक तरीके से उसे रिंग भी बोल सकते हैं, तो वो उसके साथ अटैच रहते हैं। तो उसमें भी काफ़ी सिंपल रहता है इनको सर्विस करना, और ये मैक्सिमम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो रहते हैं और एक प्रीमियम बाइसिकल्स में आपको मिलते हैं। तो इसमें भी आपको एक रिंच चाहिए और एक क्रैंक पुलर चाहिए जो आपको इसको सर्विस करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये रहा पूरा एक एक्सप्लेनेशन गाइस, आप किस तरीके से अपने बॉटम क्रैंकसेट को सर्विस कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं विद प्रॉपर टूल्स। तो ये सारे टूल्स के लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ गाइस, आपको बॉटम क्रैंकसेट की सर्विस कब करनी चाहिए? तो फर्स्ट गाइस, अगर आपका जो चेन कैसेट है अगर वो थोड़ा सा शेक हो रहा है या एक हल्का सा उसमें से अनोइंग साउंड आ रही है, तब आपको यहाँ पे इसे सर्विस करना चाहिए। बट उसके साथ ही साथ, या अगर आपको लग रहा है कि इसे सर्विस करने की ज़रूरत है, तो आप उसे एटलीस्ट 3-4 मंथ में एक बार सर्विस कर सकते हैं, जिससे आपका जो बॉटम क्रैंकसेट के रोलर हैं या फिर बेयरिंग्स हैं वो उतनी जल्दी इरोड नहीं होंगे, और आपका जो बॉटम क्रैंकसेट की लाइफ है वो थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। सो फिलहाल गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द कुमाऊनी राइडर्स ब्लॉग, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके जो साइकिल है उसमें किस टाइप का बॉटम क्रैंकसेट है, और आप ज़रूर ये भी मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। तो फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, टिल देन गाइज टेक केयर एंड स्टे फिट एंड थैंक यू सो मच।